नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C65 5G versus Samsung Galaxy M35 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C65 5G में 6.52 इंच जबकि Galaxy M35 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि C65 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो C65 5G में 3 इंच जबकि Galaxy M35 में 3.09 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो C65 5G में 0.31 इंच जबकि Galaxy M35 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि C65 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो C65 5G में 190 ग्राम जबकि Galaxy M35 में 222 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि C65 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो C65 5G में IPS LCD जबकि Galaxy M35 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो C65 5G में 20:5:9 जबकि Galaxy M35 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C65 5G में 6.67 इंचेस जबकि Galaxy M35 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C65 5G में 720x1604px HD+ और Galaxy M35 में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C65 5G में 85.23% जबकि Galaxy M35 में 83.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M35 में 390 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C65 5G में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Galaxy M35 की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C65 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Galaxy M35 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C65 5G में Mali G57MC2 जबकि Galaxy M35 में Mali G68MP5 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C65 5G में MediaTek Dimensity 6300 और Galaxy M35 में Samsung Exynos 1380 मिलता है। बात करें RAM की तो C65 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy M35 में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो C65 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy M35 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो C65 5G में अप टू 2TB जबकि Galaxy M35 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी C65 5G में 5000
mAh जबकि गैलेक्सी M35 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C65 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,913 रुपीस में मिलता है। और बात करें गैलेक्सी M35 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme C65 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M35 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M35 आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2A 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo के 12X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।